आज की मेन वीडियो पे चलने से पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब, लाइक वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड जो नेक्स्ट पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस वाली वीडियो आएगी वो तभी आएगी व्हेन विल हिट 1000 सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ डू इट क्विकली एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। सो लेट्स गेट टू द मेन वीडियो। हे एवरीबडी, माय नेम इज श्रेयान सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ बॉय, ए मियर चाइल्ड, जिसने 8 साल जैसी छोटी उम्र में, जिस उम्र में बाकी के बच्चे पढ़ना और लिखना सीख रहे होते हैं, उसने उस उम्र में 3 मर्डर कर दिए। एंड देन ही बिकेम इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ बिट ऑफ मोर टाइम एंड डाइव इन टू द हिस्ट्री ऑफ अमरजीत साटा। साथ में एक 7 साल के छोटे बच्चे को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इस बच्चे पे 3 मर्डर के चार्जेस होते हैं। और जब पुलिस इससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो हंस के रिप्लाई करता है, साहब बिस्किट खिलाओगे तो ही बताऊंगा। अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के मुहासर में हुआ था और उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही गरीब थे, वो एक लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो अमरजीत हमेशा से ही बहुत लोनर टाइप का था, वो अकेले ही रहता था, वो किसी से बात भी नहीं करता था ज़्यादा, और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही निकलता था। उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उसके दोस्त थे नहीं, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे गाँव में घूमना और पेड़ों पर चढ़ना और लोगों को देखना, इन सभी में निकलता था। तो उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन पहले भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अमरजीत के होने के बाद वो और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। और अमरजीत के होने के कुछ ही साल बाद उनको एक बेटी भी हो गई थी, माने अमरजीत की बहन। तो उसके होने के बाद तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ही लो हो गई थी, वो एकदम हेल्पलेस हो गए थे। तो अमरजीत के पापा एक मजदूर थे, ही वॉज अ लेबर, और वो रोज काम पे जाते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती थी और वो कैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो ये बात है 2006 की, जब अमरजीत लगभग 7 साल का था। तो अमरजीत की एक मौसी जो पासी के गांव में रहती थी, उसकी जॉब, उसकी नौकरी थी, वो मुहासर में लग गई थी और वो आके अमरजीत की फैमिली के साथ रहने लग गई थी। तो जो अमरजीत की मौसी थी वो अपनी 6 साल की बेटी को भी अपने साथ लाई थी और वो 6 साल की बेटी भी वहीं उन्हीं के साथ रहती थी। तो अब कुछ दिन हो गए थे उन्हें साथ रहते हुए और एक दिन अमरजीत की जो माँ थी और उसकी मौसी थी वो बाहर सब्जी लेने गई और वो अपनी 6 साल की बेटी को अमरजीत के पास छोड़ के गई और उन्होंने अमरजीत को बोला कि इसका ध्यान रखना। ऑब्वियसली अमरजीत उस लड़की से 1-2 साल बड़ा था, तो दे पुट हिम इन चार्ज। और जब वो दोनों चली गई तो अमरजीत और उसकी छोटी कजन साथ में खेल रहे थे। उसी खेल में अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को पिंच किया, चिमटी काटी, और जब वो रोने लगी तो अमरजीत स्टार्टेड स्लैपिंग हर, उसने उसे चाटे मारने स्टार्ट कर दिए थे। एंड देन वो और रोने लगी एंड देन अमरजीत ग्रैब्ड हर बाई हर थ्रोट, उसने उसका गला पकड़ा और उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया था। एंड देन ही चोक्ड हर, और जब वो मर चुकी थी उसने उसकी बॉडी को उठाया और वो उसे पास के जंगल में ले गया और जंगल में ले जाके उसने एक पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया और उसे वहीं दफना दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट ए 7-year-old बॉय। आई कांट इवन इमेजिन कि एक 7 साल का बच्चा इतना कुछ कर सकता है। और जब उसकी माँ और मौसी घर वापिस आई और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है, तो अमरजीत ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मैंने उसे मार दिया और उसने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, उसने कॉन्फेस कर दिया। और इवन आफ्टर उसके कॉन्फेस करने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसे शील्ड करा, उसके पेरेंट्स ने उसकी मौसी से माफी वगैरह मांगी और अपने बच्चे को माफ करने के लिए भीख मांगी और उसकी मौसी फिर वहां से चली गई थी। लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उसे बचाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो ये बात है 2006 के नवंबर दिसंबर की, जब सर्दियों का वक्त था। तो सर्दियों की आफ्टरनून थी, दिन का समय था और उसके घर में सब सो रहे थे और उसके जो पापा थे वो बाहर गए थे काम पे। जो उसकी छोटी बहन थी वो अभी भी बहुत छोटी थी, तो उसे कॉट में सुलाते थे। वो बच्चों का अलग बेड नहीं होता, छोटा सा जिसके वॉल्स थोड़ी हाई होती है, तो उसकी छोटी बहन उसमें सो रही थी। तो अमरजीत का एकदम से खुद की छोटी बहन पे ध्यान गया, तो उसने सडनली अपनी छोटी बहन को कॉट से और वो उसको अपनी माँ से दूर लेके गया और उसने उसका दम घोट के उसे मार दिया। एंड देन उसने अपनी छोटी बहन की बॉडी वापस उसी कॉट में रख दी और जब उसकी माँ उठी और उसने अपनी बेटी को उठाया दूध पिलाने के लिए, देन शी फाउंड आउट कि शी इज नो मोर। वो ये सब देख के बहुत शॉक हो गई थी, वो हड़बड़ाने लग गई थी और उसने जब अमरजीत से पूछा क्या ये सब तुमने किया है, देन अमरजीत रिप्लाइड यस,
और जब उसकी माँ ने उससे ये पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने रिप्लाई किया, बस ऐसे ही। लेकिन इस बार भी उसके पेरेंट्स ने ये सारी बात पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई और एक बार फिर उन्होंने उसको बचाया। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए 7-year-old बॉय, और उसके पेरेंट्स उसे बचाते जा रहे थे, और इस बार तो उसके पेरेंट्स ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने ये सोचा कि ये लड़का घर में रह रहे के ये सब कर रहा है, तो इसे एक स्कूल में डाल दिया जाए तो शायद वहां जाके ये सुधर जाए। और अब अमरजीत स्कूल जाने लग गया था, और स्कूल में उसकी एक मैम थी, उसकी एक टीचर थी, वो अपनी एक 6 महीने की बच्ची को अपने साथ स्कूल में लाती थी। तो एक दिन जब वो बच्ची स्कूल में अकेली थी और उसकी माँ उसके आसपास नहीं थी, तो अमरजीत ने उस बच्ची को उठाया और उसने खुशबू को गला घोट के मार दिया, और उसे मारने के बाद उसने एक ब्रिक से, एक ईंट से उसका सर फोड़ दिया और उसे दफना दिया। लेकिन इस बार उसके घर वाले उसे नहीं बचा पाए। खुशबू के पेरेंट्स और गांव वालों ने मिलकर उससे पूछताछ करी, तो अमरजीत ने ये कॉन्फेस कर दिया था कि हाँ, खुशबू को मैंने ही मारा है। और वो गांव वालों को उस जगह भी ले गया था जहां उसने खुशबू को दफनाया था। और आफ्टर दिस फाइनली अमरजीत को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, और उसके चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं था। उसकी कामनेस, उसकी कूलनेस को देख के पुलिस वाले भी शॉक्ड थे। और आफ्टर सम इंटरोगेशन, आफ्टर गिविंग हिम बिस्किट्स, अमरजीत ने पुलिस को साफ बोल दिया कि खुशबू स्कूल में सो रही थी, मैं उसे थोड़ा दूर लेके गया और उसे एक पत्थर से मार के उसे दफना दिया। और इसके बाद वो पुलिस को अपने विक्टिम के लास्ट बरीड प्लेस पे भी लेके गया, और इसके बाद उसने इजीली अपने प्रीवियस किलिंग्स के बारे में भी पुलिस को सब कुछ बता दिया था, जैसे कि उसने वो सब क्यों किया और कैसे किया। और क्योंकि वो एक 8 साल का माइनर था, तो उसे एक जुवेनाइल होम में भेजा गया और उसे आइसोलेशन में रखा गया। और जब डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट किया, तो दे गॉट टू नो कि उसे एक डिसऑर्डर है, दैट ही डिराइव्ड प्लेजर फ्रॉम हार्मिंग अदर्स। उसे लोगों को हार्म करने में, उन्हें चोट पहुंचाने में, उन्हें पेन देने में मजा आता था, उसे खुशी मिलती थी। और जब वो 18 साल का हुआ, तो उसे रिलीज कर दिया गया एक नई आइडेंटिटी के साथ। तो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज केस। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं, आफ्टर रीडिंग दिस केस मेरे दिमाग में जो हमेशा से डाला गया था कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, इंसान को बुरा बनाया जाता है, ये तो क्लियर हो चुका था। कुछ इंसान तो बुरे ही होते हैं। ही हैड ए डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर में उसे लोगों को हार्म करने में प्लेजर मिलता था। तो एक 7 साल का बच्चा था, और एक 7 साल के बच्चे को मर्डर करना कोई सिखाता नहीं, तो ऐसा इंसान कभी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और एक बार हम मान भी ले वो जैसा था ठीक था, लेकिन द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज कि उसके घर वाले उसे डिफेंड करते रहे। जब उसने फर्स्ट टाइम एक मर्डर कर दिया था, तो उन्हें उसी वक्त पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए था। आफ्टर सीइंग इस फोटो में कंफ्यूज हो गया कि मैं उसकी एज और उसकी हाइट को देख के उसे एक बच्चा समझूं, या उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के उसे एक बुरा इंसान समझूं, उसे एक क्रिमिनल समझूं। तो हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप भी कमेंट्स में बताना। एंड यस, दैट वाज इट। लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक सच कंटेंट। वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, एंड टॉक टू योर लव्ड वंस सो क्लोजली, सो ओपनली, एंड आई विल मीट यू इन अनदर केस। अंटिल देन, बाय बाय।